पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर बहराइच से शुरू हुई पुरानी पेंशन रथ यात्रा विभिन्न स्थानों से होते हुए अयोध्या पहुंची, जहां संयुक्त राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन रथ पर सवार डिप्लोमा महासंघ के महासचिव इंजीनियर जीएन सिंह का राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कर्मचारियों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारी लामबंद हुए। इंजीनियर जीएन सिंह की अध्यक्षता में अयोध्या पहुंची रथ यात्रा विभिन्न स्थानों से होते हुए गांधी आश्रम नाका कामेश्वर हनुमान मंदिर पहुंची, जहां सभा में तब्दील हुई सभा को संबोधित करते हुए पुराने पेंशन बहाली की मांग को लेकर कहा गया कि कर्मचारी चुप नहीं बैठेंगे, ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। तो बहराइच से आए हुए हैं, 16 तारीख से ये प्रदेश में पेंशन रथ यात्रा निकली है कानपुर से, और ये पूरे प्रदेश में घूम रही है, अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। हमारी मांग है कि जैसे माननीय विधायकों को पुरानी पेंशन की व्यवस्था मिल रही है, मंत्रियों को मिल रही है, सांसदों को मिल रही है, वही व्यवस्था हमको दिया है। हमको नया या लालीपाप झुंझुना नहीं चाहिए, हमें पुरानी जो व्यवस्था अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही थी, पुरानी सरकारों ने 70 साल जो व्यवस्था लागू रखी, उसी व्यवस्था को हमें रखा जाए। हम नई अपडेटेड व्यवस्था के बिल्कुल पक्ष में नहीं। केवल एक मांग को लेकर पुरानी पेंशन बहाली, जो कई वर्षों से हम लोग संघर्षरत हैं, और इस पेंशन रथ के द्वारा हम लोग जिले जिले में जन जागरण कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में हम लोग महारैली के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और सरकार से यह अनुरोध है कि हमारे कर्मचारियों से चुका कि ये जो ज्वलंत मांग है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, अतिशीघ्र इस पर विचार करें और इसको कर्मचारियों के हित में निर्णय लेते हुए पुरानी पेंशन बहाल कर हम कर्मचारी शिक्षकों को इसका लाभ प्रदान। वही पुरानी पेंशन की बहाली कार्यक्रम के दौरान कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि हमारी मांगे नहीं मानी गईं, तो फिर हम 2024 के चुनाव में अपनी ताकत दिखाएंगे और भाजपा के विरुद्ध वोटिंग करेंगे। मैं आज आपको बता दूं, शासन के साथ में समस्त कर्मचारी, चाहे वो राज हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे पुलिस विभाग हो, कौन ऐसा शख्स है जिसको ये लाठी कहे जाने वाला है, रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली पुरानी पेंशन नहीं। जब सब लोग साथ छोड़ देते हैं तो ये पुरानी पेंशन ही उसके भविष्य का सहारा है। पुरानी पेंशन कर्मचारियों को दिलवाने का उद्देश्य है, इसी उद्देश्य से रथ यात्रा अयोध्या में आई। गेस्ट के रूप में आदरणीय जीएन सिंह, जो डिप्लोमा इंजीनियर संघ के प्रांतीय पदाधिकारी हैं, और आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह, जो पंचायती राज सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सरकार से मांग करते हैं कि सभी कर्मचारियों को बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन दे दें। बहरहाल पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदेश के कई हिस्सों में आवाज उठती रहती है। अब देखना ये होगा कि रामनगरी अयोध्या में उठी पेंशन बहाली की ये मांग आने वाले दिनों में क्या रूप लेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अयोध्या से इंडिया पब्लिक खबर के लिए विशाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।